दुर्ग लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सांसद पद को लेकर नामांकन दाखिल करने योजना बनाई जा रही है। इस दौरान दुर्ग के राजीव भवन में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा बैठक आयोजित कर शहर की जनता के बीच न्याय घोषणा पत्र पहुंचाने और कांग्रेस प्रत्याशी राजेन्द्र साहू के नामांकन जमा कराने रणनीति बनाई गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राजेन साहू के नामांकन फॉर्म जमा करने आगामी दिनों में विशाल रैली का आयोजन कर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचने बनाई गई है रणनीति। दुर्ग के राजीव भवन में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक में चर्चा की गई और इस दौरान युवा कांग्रेस की बैठक में बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं को भाजपा सरकार की कथनी करने का आम जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने रूपरेखा बनाई गई। साथ ही कांग्रेस की रैली पर फोकस करते हुए युवाओं में जोश भरा गया। और यहाँ से बहुत सारा जोश और बहुत सारा आलम लेके हम लोगों को अपने अपने घर जाना है, अपने अपने वार्ड। इस दौरान राजीव भवन में आयोजित बैठक में उपस्थित युवाओं को कांग्रेस पार्टी की न्याय घोषणा पत्र के बारे में बताया गया। आम जनता के बीच इस पत्र का प्रचार प्रसार किए जाने की बात पर चुनाव जीतने का संकल्प दिलाकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। यहाँ नहीं, पूरा देश के युवा इस जुमलाबाजी सरकार से थक चुके हैं। जैसे कि 2014 में चुनाव प्रचार के दरमियान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने भाषणों में कहा कि मुझे चुनो, मैं देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। लेकिन 2 करोड़ तो दूर की बात, आज तक मोदी जी 20 लाख भी नौकरी नहीं दे पाए। तो देश के युवा तो बहुत ज़्यादा नाराज हैं। और इस बार 2024 के चुनाव में पूरे देश, भारत देश के अन्य राज्यों से, छत्तीसगढ़ से भी 2004 के बाद सीटें बढ़ेगी और हम यहाँ बहुमत के साथ इस देश में कांग्रेसी सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में अधिकतर सीटें हम जीतेंगे। तो पूरा बदलाव करने के फिराक में आ चुका है, क्योंकि मोदी जी ने जो 2014 से जो वादे किए हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं और काला धन की बात करते हैं, सिर्फ वो जुमला की बात करते हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर इतनी हो गई है कि लोग अपनी जरूरतों मन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि भगवान को लेके इन्होंने जो मुद्दा जो उठाया हुआ है सिर्फ ये। और आपको राजनीति करनी है तो राजनीति की भगवान का नाम लेके राजनीति मत करो। लोकतंत्र की सिर्फ यहाँ पर सिर्फ हत्या कर हो रही है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं इतने इतने भावुक हो चुके हैं जो इस बार प्रेरणा ले चुके हैं कि इस बार बदलाव बहुत ज़रूरी है। माहौल लोकसभा में भारी मतों से जीत का बहुत ज़्यादा माहौल है और एक उत्साह वाला माहौल है जो कांग्रेस के प्रति माहौल है। युवा जो बेरोजगार है, कांग्रेस पार्टी सेंटर में बैठने के बाद में उनको रोजगार दिया जाएगा। महिलाएं माताओं को 8,000 के माध्यम से 1 लाख रुपया दिया जाएगा सालाना। ऐसे कई 25 योजना हैं जिनके द्वारा आम जनताओं को लाभ देने का काम करेगी ये योजना के तहत में ये योजना हमारी बनाई गई है। जैसे कि लोकसभा चुनाव में हर गांव में युवा कांग्रेस की टीम है, तो हर गांव से उस गांव के अध्यक्ष को और हर वार्ड से उस वार्ड के अध्यक्ष को, बूथ के अध्यक्ष को आज हम लोग यहां पे एकत्रित किए हुए हैं, जहां पे अविभाजित दुर्ग के 6 विधानसभा में जहां 3 जिला युवा कांग्रेस बने हुए हैं, तीनों जिलों की बैठक है यहां पे। और बैठक इसलिए रखी गई है कि इस बैठक के पश्चात 15 तारीख को नामांकन भी है, नामांकन के संबंध में चर्चा होगी। नामांकन के बाद गाँव में डोर टू डोर कैसे कैंपेनिंग करना है, हमारी पार्टी का जो न्याय पत्र है, हर महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कही है, युवाओं को रोजगार की बात जो हम लोगों ने की है, उसका जो है प्रचार घर घर तक कैसे होगा, इसके बारे में माननीय प्रत्याशी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी आज हम लोगों से चर्चा करेंगे। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे करीब 500 युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। क्या सोच रखते हैं युवा जी? जैसे कि पिछले 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने का वादा, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था, जो कि उन्होंने नहीं दिया। हर खाते में 15 लाख देने की बात वो लोग करके सरकार में आए थे, 15 लाख क्या 15 रुपए भी नहीं आए किसी के खाते में। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और विशेष करके इस देश का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में भाजपा माहौल जरूर बना रही है, लेकिन इस बार माहौल जो है उनका वोट में तब्दील नहीं होगा। पढ़े लिखे युवा हैं, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, और गांव-गांव जाके घर घर जाके लोगों को समझाएंगे और इस बार दुर्ग में निश्चित ही 2014 की तरह कांग्रेस का सांसद हम लोग जिताएंगे।
एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।